भी मतगणना को लेकर तैयारियां पूरी हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने एनडीटीवी से भी बातचीत की। बैतूल लोकसभा में कल काउंटिंग होना है और काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में हमारे साथ जिला कलेक्टर है जिन्होंने अभी पूरा स्ट्रांग रूम का जायजा लिया है। हम उनसे जानेंगे कि क्या व्यवस्था रहेगी, कैसी व्यवस्था रहेगी, कितनी टेबलों पे गिनती होगी और कितना अमला यहाँ मौजूद रहेगा। सर बताइए, जैसा आपको विदित है कि कल लोकसभा निर्वाचन 2024 में बैतूल लोकसभा क्षेत्र की भी मतगणना की कार्य प्रारंभ किया जाएगा। प्रातः 7 बजे तक सभी लोग अपने अपने कक्षों में नियत स्थान पर उपस्थित हो जाएंगे, कर्मचारी और इसके अलावा जो काउंटिंग एजेंट है वो सभी। दूसरी बात ये है कि उसके बाद में 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना का कार्य शुरू किया जाएगा और 8:30 बजे से रेगुलर जो ईवीएम है उनका गणना का कार्य शुरू होगा। कुल 15 से 16 जो चरणों में मतों की गणना होगी। सभी लोगों के लिए यहाँ पे बैठने की, दूसरा पानी की, छाया की और दूसरे सब अरेंजमेंट है। त्रिस्तरीय सुरक्षा में ये कार्य होगा। इसका आउटर गार्डन, मिडिल गार्डन और इनर गार्डन, तो इसमें जिसमें बाहर लोकल पुलिस रहेगी और यहाँ बीच का जो गार्डन है, मिडिल गार्डन जो होगा वो उसमें राज्य सशस्त्र पुलिस बल रहेगा और बाद में जो इनर गार्डन रहेगा उसमें CAPF का सेंट्रल आर्म फोर्स का बल रहेगा। इस तरह से पूरी माकूल व्यवस्था है। अभी सम्माननीय ऑब्जर्वर गणन ने सभी ने इसका भ्रमण किया है और हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सर कितने टेबल लगे हैं, कितने गिनती रहेगी? देखिए, 112 टेबल तो हमारी जो ईवीएम की गणना की है, 8 हमारे पोस्टल बैलेट के लिए की गणना की है और 6 हमारी ATPBS की स्कैनिंग की टेबलें हैं और इस तरह से लगभग 1 से 1.5 हजार कर्मचारियों की भी व्यवस्था हम लोगों ने करी है, जो ईवीएम ट्रांसपोर्टेशन से लेके तो RO तक की जो व्यवस्था है वो है। सर कितने बजे तक संपन्न हो जाएगा? देखिए, 15 से 16 चरण है। एक अनुमानित रूप से अगर अपन देख लें तो 20 से 25 मिनट एक चरण में लगता है, लेकिन क्या है कि उसको समय में बांध नहीं सकते क्योंकि हमारे हमें हरदा और हरसूद के भी रिजल्ट का इंतजार करना पड़ेगा। और फिर भी शाम 5-6 तो मिनिमम बजेगी। GH कॉलेज के इस स्ट्रांग रूम में चाक चौबंद व्यवस्था के बीच कल मतदान होगा, कल मतगणना होगी और मतगणना के बाद किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, ये कल ही पता लग पाएगा। अकील अहमद, NDTV, बैतूल।